नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रैगन पर। दोस्तों आज यानी कि 3 मई को Asus Zenfone Max Pro की पहली सेल थी फ्लिपकार्ट पर और आज काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई फ्लिपकार्ट पर, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों यहाँ पर काफी दिनों से चल रहा था कि पहली सेल जो है वो होने वाली है 3 मई को Asus Zenfone Max Pro M1 की, लेकिन सडनली क्या हुआ कि यहाँ पर 24 घंटे पहले ही दिखाया जाता है कि प्री ऑर्डर यहाँ पर यानी कि फ्लैश सेल टाइप वाला काम कर दिया था। हमने अगर कस्टमर केयर से बात करी तो इसमें लिमिटेड स्टॉक होगा और आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएगा, कस्टमर केयर ने हमें ये जानकारी दी थी। लेकिन अगर हम देखें आज जो हुआ है, स्टॉक काफी था, 3 GB रैम वाला जो मॉडल है वो लगभग 4-4:30 बजे तक भी स्टॉक में था, स्टॉक में आ रहा था फिर चला जा रहा था, आ रहा था फिर चला जा रहा था, यानी कि स्टॉक काफी अच्छा लेकर आया हुआ था Asus इस बार। और अगर बात करूँ 4 GB रैम वाला मॉडल की तो वो काफी कम था, काफी कम लोगों को मिला है, लेकिन 3 GB वाला मॉडल जो है वो काफी ज्यादा था। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर थे, जबकि शुरू से कहा जा रहा था कि यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी आपको मिलेगी। इवन गीकी रंजीत सर हैं, उन्होंने भी अपने वीडियो में कहा था कि COD अवेलेबल है, उन्होंने बात की है फ्लिपकार्ट वालों से या Asus वालों से। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झटका सा दे दिया कि क्योंकि काफी जनता ऐसी है हमारी, काफी यूजर ऐसे हैं जो कैश ऑन डिलीवरी ही परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन ये पेमेंट नहीं करते या कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ऐसे में ये कदम काफी अजीब लगा और सडनली लगा। कम से कम पहले तो बताते, जैसे Xiaomi कम से कम पहले बता देता है कि इस सेल के ऑर्डर जो है वो प्रीपेड होंगे, तो यहाँ पर एकदम 24 घंटे पहले बताना मुझे थोड़ा सा गलत लगा। आपके क्या विचार है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक जो है वो इतना अच्छा क्यों था, मैं आपको बताऊं, और प्रीपेड ऑर्डर क्यों लिए गए। यहाँ पर Asus जो है NDTV सोर्स है इस न्यूज का, उन्होंने बताया है कि Asus जो है जितनी भी यूनिट्स यहाँ पर हैं वो इंडिया में नहीं बनाएंगे, बाहर से ही इंपोर्ट कराएंगे। तो यानी कि सीधी सी बात है, पैसा हमसे पहले ले लिया है, वहां से अपना मुनाफा रखकर और वो यूनिट्स जो है वो बाहर से मंगवा लेंगे। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पहले बताना चाहिए था कि ये प्रीपेड रहेगा या फिर COD इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, टाइम टू टाइम बताना थोड़ा गलत है। उसके बाद अगर बात करता हूं मैं 49 रुपए वाले प्रोटेक्शन प्लान की, तो काफी लोगों को आज दिक्कत आ रही थी इसमें, क्योंकि काफी लोगों का एड टू कार्ट में हो रहा था ये ऑटोमेटिकली और कईयों का नहीं हो रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट सेल में इसी का ध्यान रखिएगा कि आप प्री ऑर्डर नाउ का ऑप्शन जहां आता है उसकी बजाय एड टू कार्ट कीजिए, वहां पर दोनों ही चीजें आपकी एक साथ वहां पर चली जाएगी। अगर नहीं भी जाती है तो आप जो समरी है उसको अपने प्राइस को चेक कीजिए, 10,999 या जितने का भी, अगर उसमें 49 रुपीज एड है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप बैक जाइए उसी पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे, और वहां से आपको नीचे ऐड वन आइटम का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको ये स्टेप करना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो प्रोटेक्शन प्लान है 49 रुपए का काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है और आपको यहाँ पर स्क्रीन डैमेज की और लिक्विड डैमेज की प्रोटेक्शन जो है वो फ्लिपकार्ट दे रहा है। उसके बाद अगर बात करता हूँ नेक्स्ट सेल कब आएगी, तो इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं दी है फ्लिपकार्ट ने, और ये भी नहीं पता कि COD उस पर होगा या नहीं होगा। 6 GB रैम वाला हमारा आइडिया है कि जून के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि ये शिपिंग जो है वो कब तक होगी, तो यहाँ पर भी फ्लिपकार्ट का फंडा जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आया है, क्योंकि अगर मैं देखूँ माई ऑर्डर स्टेटस में जाकर तो वहां पर पैक्ड कर दिया है सेलर ने, इसकी लोकेशन आ रही है बेंगलोर की, तो और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 या 3 दिन लगते हैं मैक्सिमम आने में, लेकिन यहाँ पर अगर प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है टेंटेटिव रिलीज 13 मई, और जो शिपिंग के बाद यानी कि डिलीवरी जो डेट दी गई है वो दी गई है 16 मई की। तो यहाँ पर जब कस्टमर केयर से बात की गई तो वहां पर ऐसे निकम्मे घंटूनाथ बिठा रखे हैं कि उनको यही नहीं पता कि Asus Zenfone आज लॉन्च हुआ है, वो कह रहे हैं सर Xiaomi की सेल तो कल थी, मैंने कहा भाई Asus की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। कि यही है कि 16 तारीख तक आपका जो है, कईयों का 17 तारीख डेट दी गई है, कईयों की 15 दी गई है, तो होपफुली यही मान के चलिए कि 16 से पहले पहले आपका फोन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर कोई और क्वेश्चन है आपको अगली सेल को लेकर तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जो नए भाई हैं इस चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, धन्यवाद।